हेलो दोस्तों, क्या केक आपका बहुत फेवरेट है? मेरा तो बहुत फेवरेट है और ज़्यादातर लोगों का फेवरेट होता ही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ बिल्कुल बेसिक रेसिपी में शेयर करूं केक की, जो सबसे ज़्यादा टेस्टी होती है और सबसे ज़्यादा आसान भी होती है। मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी साइमा नाज की एक महीने पहले केक रेसिपी शेयर करने के लिए, तो इसलिए भी मैंने ये केक रेसिपी शेयर की है। यहाँ पर केक के कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे वीडियो में बता दी जाऊँगी क्वांटिटीज़ के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 अंडे लिए हैं और इसको मैंने डाल दिया है ब्लेंडिंग जार में। आपके पास अगर ब्लेंडिंग जार नहीं है तो आप मिक्सर पॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। और करीबन 2 से 3 मिनट तक इसको ब्लेंड करने के बाद आप देखोगे कि इसका कलर बहुत चेंज हो गया, मतलब येलो से ये वाइट हो जाएंगे और बहुत झागदार हो जाएंगे। तो इनको हम निकाल लेते हैं, एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देख लो कितना ज़्यादा झाग है इसके अंदर। अब उसी ब्लेंडिंग जार में आप ऐड कर दो 1 कप चीनी। चीनी आप थोड़ा कम या ज़्यादा ले सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और 1 कप ऐड कर देंगे रिफाइंड ऑयल। इनको हम ब्लेंड कर लेंगे करीबन 1 से 2 मिनट तक, या फिर जब तक कि चीनी बहुत अच्छे से पिस नहीं जाती है। अब जब 2 मिनट बाद चीनी अच्छे से पिस गई है तो हमारा जो एग है ब्लेंड किया हुआ, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इस सारे मिक्सचर को दोबारा से हम 1 मिनट के लिए और ब्लेंड कर लेंगे। यानी टोटल आपका ब्लेंडिंग टाइम जो है वो 5 मिनट से। मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है तो इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इसी बाउल में अब हम मिलाएंगे 2 कप मैदा। मैदा को पहले हम छान लेंगे, इससे जो मैदे में थोड़ी बहुत गुठलियाँ होती हैं वो टूट जाएंगी। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया 2 कप मैदा। और ऐड करना है हमें इसमें बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर आप किस तरह से मेजर करो वो मैं आपको बता देती हूँ। आप इस तरह से आप बेकिंग पाउडर को बराबर कर लो। बेकिंग पाउडर का पहाड़ नहीं बनना चाहिए, इसको आप फ्लैट कर लो। और ये 2 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर नाप लिया है, इसको हम ऐड कर देंगे इस मैदे में और इसको छान लेते हैं। एक बार में हम सारा मैदा इसमें नहीं छानेंगे, आधा छानने के बाद हम इसको पहले अच्छे से मिला लेते हैं। इससे इसमें गुठलियाँ नहीं बनती तो केक बहुत अच्छे बनते हैं। जब मैदा इसमें मिक्स हो जाए फिर बाकी का जो मैदा बचा हुआ है वो भी हम इसमें छान लेंगे। इसके साथ साथ मैं इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ, सिर्फ 1 चुटकी, ज़्यादा मत देना वरना बेकिंग सोडा का बहुत बुरा से स्मेल आ जाता है केक में। ये सारा मैदा छानने के बाद आप इसको फिर से मिला लो। केक को कभी रफली मत मिलाना, कट एंड फोल्ड मेथड से ही मिलाना जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, या फिर जब भी आप मिलाओ एकदम हल्के हल्के से मिलाना, एकदम से रफली केक मत मिलाना। तो ये कितना स्मूथ पेस्ट बनके रेडी हो गया है इसका, ये देखो, कहीं भी आपको लम्स नहीं दिख रहे होंगे, बहुत स्मूथ बैटर बना है। इसमें अभी हमें ऐड करना पड़ेगा थोड़ा सा खुशबू के लिए, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बटर स्कॉच का एसेंस 1 टीस्पून। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, वनीला, चॉकलेट फ्लेवर, जो सा भी आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हो। 2 पिंच नमक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो मिठास को बहुत अच्छे से बैलेंस करेगा। और 3/4 कप मैंने यहाँ पर दूध ऐड किया है, आप थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये वाली इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इसको अच्छे से मिला लो। तो ये ले लिया है मैंने केक टिन और इसके बेस में डाल दूंगी मैं बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल पेपर भी यूज़ कर सकते हो या कॉपी में से कोई भी पेज निकाल के यूज़ कर सकते हो। 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल के साथ मैं इसको अच्छे से ग्रीस कर लूँगी।
मैंने अपने पिछले वीडियो में कुछ हेल्दी केक का रेसिपी मैंने डाला है, उसमें मैंने नॉर्मल पेपर ही यूज़ किया है, तो आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हो, लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थोड़ा मुझे इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड करना है, आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट ले लो जो भी आपको ज़्यादा पसंद है, और इस तरह से इसको रफली चॉप कर लो। इस ड्राई फ्रूट में ऐड करना है 3 से 4 बूंद पानी और इसको अच्छे से मिला लेना है। साथ के साथ आधी चम्मची हम डाल देंगे मैदा। अब इसको एक बार अच्छे से मिला लो ताकि सारे ड्राई फ्रूट में मैदा एक बार कोट हो जाए। इस तरह से जब हम बैटर में इसको डालेंगे ड्राई फ्रूट्स को, तो ये केक बेक होते टाइम में सेटल डाउन नहीं होगा। तो ये बैटर बिल्कुल हमारा रेडी है, इसमें हम ड्राई फ्रूट अब ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने आधा ड्राई फ्रूट यहाँ पर ऐड किया है और आधा बचा लिया है ऊपर से डेकोरेशन के लिए। इसको अब ज़्यादा नहीं मिलाना, बस 2 से 3 बार इसको मिला लेना है इस तरह से। और अब केक टिन में इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे बैटर को। ऊपर से बचा हुआ ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। और इसको अब बस 2 बार टैप कर देंगे। यहाँ पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूरे 6 मिनट के लिए हम माइक्रोवेव ओवन को कन्वेक्शन मोड पर प्री हीट कर लेंगे। और अब 6 मिनट बाद इसमें मैं डाल रही हूँ, एक स्टैंड है ये, ओवन के साथ ही आता है, उस स्टैंड पे हम डाल देंगे केक टिन और अपने ओवन को दोबारा से कन्वेक्शन मोड पर ही 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे 40 मिनट के लिए बेक करना है केक को। तो 40 मिनट बाद हम चेक करते हैं केक को, कलर बहुत सही है, कलर तो बहुत देखने से ही लग रहा है केक पक चुका है अच्छे से, लेकिन केक पका या नहीं इसके लिए भी हम चेक कर लेते हैं। एक क्लीन नाइफ लेंगे और उसको सबसे ज़्यादा डेप्थ जहाँ पर है वहाँ पे इंसर्ट करके देखेंगे। तो ये बहुत क्लीन आया, इट मीन्स केक पक चुका है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इसमें लगा हुआ आ जाए तो आप इसको अगले 10 से 5 मिनट के लिए और बेक कर सकते हैं। मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, और जब ये 1-1.5 घंटे बाद जब ठंडा हो जाए तो इस तरह से हम इसको केक को डीमोल्ड कर लेंगे। अब इस बटर पेपर को निकाल दो, थोड़े हल्के हल्के हाथों से निकालना, केक टूटने नहीं चाहिए। और ये केक बिल्कुल रेडी है हमारा। अब इसको आप अपने मनचाहे शेप में काट सकते हो। ये आप देख सकते हो कि मैं जब केक काट रही हूँ कितना अच्छा फ्लफी सा केक लग रहा है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट बना है, काफ़ी बेसिक केक है। तो आप बनाओ, ट्राई करो और मुझे भी बताओ कि आपने ट्राई किया तो क्या रिज़ल्ट रहा। तो फ्रेंड्स, मैं जल्दी विदाउट ओवन वाला केक अपलोड करने वाली हूँ, ताकि जिनके पास ओवन नहीं है वो भी आसानी से अपने घर पर केक बना सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके कर लो सब्सक्राइब, और लाइक शेयर भी कर ही देना यार, बिल्कुल फ्री है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना सब फ्री है, जल्दी जल्दी कर दो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।